एक राजा था, उसको बहुत सारा तरीके से आनंद लेने का बड़ा शौक था, बड़ा इंजॉय करता था। एक बेड़नी से उसको प्यार हो गया। अब वो बेड़नी पीछे पड़ गई कि मुझे आपसे शादी करना है और नहीं तो मैं आपको बदनाम कर दूंगी। राजा ने सोचा ये तो अच्छी आफत गले पड़ गई, क्या करें। लेकिन वो बेड़नी भी बड़ी तेज थी, वो पढ़ी लिखी थी, जैसे आज के लोग हम लोग पढ़े लिखे हैं। बाद जमाने की जो पढ़ाई हुआ करती थी वो उसकी विशेषज्ञ थी। राजा बोला ठीक है कि आप उस लाइन से, उस वाली गड़ी से और इस गड़ी तक कच्चे सूत पे आप नच के आओ, मैं आपका नृत्य देखना चाहता हूं। परिवार वालों को क्या बताऊंगा कैसे शादी की, क्या तुम्हारे पास हुनर है, नहीं तो लोग मुझे खा खा लेंगे कि तुम्हें ये करना था तो फिर शादी क्यों की, फिर रानियों की क्या जरूरत, महारानियों की क्या जरूरत। तो पहले किसी ना किसी के अंदर कोई चीज का कारण होता था, उसके अंदर कोई हुनर होती थी, तब उससे लोग इस प्रकार का संकल्प लेते थे, बंधन में बनते थे। तो वो बेड़नी ठीक बोले करेंगे, कच्चे सूत पर नाच सकते हैं। बोले आप मैंने रस्सी पर नाच तो देखा है लेकिन कच्चे सूत पर नाचो। वो समझ गए कि ये इनको किसी से ज्ञात हुआ है, किसी संत ने बता दिया है कि इसके पास विद्या है, इसलिए तो ये महाराज कह रहे हैं कि कच्चे सूत पर नाचो। तो किसी योगी से इस परामर्श किया था राजा ने। वो राजा कहां का था, आपके सागर का था, मध्य प्रदेश के, जहां पे गढ़पेरा के हनुमान जी हैं। रोड के इस तरफ, रोड के उस तरफ एक गढ़ी थी, वो बेड़नी रहने वाली थी नरवर की। नरवर लोग कितने लोग जानते हैं, नरवर को, नरवर में लोड़ी है, लोड़ी माता, सुना आपने। तो वो लोड़ी माता मध्य प्रदेश में दुनिया में कहीं लग जाए लेकिन सागर के लोगों को कभी भी लोड़ी माता परेशान नहीं करती, इतनी भय खाए हुए लोड़ी माता कि यहां के आदमी तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, बहुत बड़े शक्तिमान हैं। तो मध्य प्रदेश के ये राजा के बीच की घटना है। वो बेड़नी नाची, राजा ने तोप तमंचे इत्यादि बंदूकें छुरी कतरनी सब चलाया लेकिन वो धागा नहीं कटा। उसको राजा को याद आया कि मुझे बाहर पड़ी हुई कभी हमको एक मोची की, जो बोलते ना रापी, तो रापी उसको प्राप्त हुई थी, उसने रख दिया था, सब चलाया नहीं चला, तो उसने रापी उठाई, उस रापी से धागा काट दिया क्योंकि रापी नाम का हथियार नहीं बांधा। उसको मालूम था कि राजघराने का है, सबसे ज्यादा कटारी का उपयोग करेगा, तलवार का करेगा, बंदूक का करेगा, लेकिन रापी का प्रयोग दिमाग में ही नहीं था। उसको काट दिया, वहीं पर नरवर की बेड़नी समाप्त हो गई, कंठ टूट गया। आज भी सागर में गढ़पेरा के मंदिर के जस्ट पीछे एक छतरी बनी है, चबूतरा बना हुआ है नरवर की बेड़नी के नाम से, और वो ही नरवर की बेड़नी मध्य प्रदेश में दुनिया भर के जला जगह जगह, जब लोड़ी माता लग जाती है ना तो सिवाय पंडोकर की जितनी बात मानती है इतना भारतवर्ष में किसी की भी बात नहीं मानती, ऐसी लोड़ी माता है वो। उनका प्रसाद खा लो, भाई के साथ चल देती है, भाई के परिवार को उठा पटक कर देती है, फिर पूछती है। यह मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, यह इतिहास है और लोगों को पता है, जो नरवर की बेड़नी माता से जो परिचित है वो उनको पता है, उन्हें नरवर की बेड़नी माता कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते भैया, कितने लोगों को पता है जो किले में है नरवर में, आप नरवर में हो ना, दुनिया के लोग जाते हैं, दुनिया के लोग पूछने जाते हैं वहां, जाते कि नहीं जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, कभी भी किसी को भी नरवर की बेड़नी परेशान कर रही हो तो एक साधारण उपाय कर लेना, गौ माता का गोबर की उबली हुई कंडी जो होती है ना, नेचुरल, गाय गौ माता जहां बैठते हैं गौ वठान में, गौ वठान जो बोलते हैं, वहां जो भी कंडी मिल जाए
उस टंडी को उठा करके उसमें कीड़े देख लेना, कीड़े ना हो, उस पर थोड़ा जल छिड़क के घर में आकर दीक्षा प्राप्त हो तो गुरु मंत्र से 5 आहुति देना। उस भस्म को नरवर बेड़नी की माता के नाम से आप खा लेना, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको नरवर की बेड़नी कभी जो परेशान नहीं करेगी। फालतू आगे बैठिए और पास में आइए जिससे पढ़ सके, माइक उठाइए, बोलो क्या समस्या है। कुछ नहीं, बस घर में हम 3 लोग हैं, खुश रहे, आशीर्वाद चाहिए। बच्चे कितने हैं? एक बेटा है। अच्छा, 3 लोग हैं, आप, पति और बेटा, और घर में कोई नहीं है? ससुर है तो वो अलग रहते। क्यों? पता नहीं क्यों। ससुर का नाम क्या है? बाबूलाल सरावगी। आपने किसी, बाबूलाल सरावगी, आपने किसी को बताया तो नहीं था? हमने तो नहीं मिला आपसे, ऐसा नहीं हमने मिल लिया आपसे, नहीं, हमने कहा बाबूलाल की बहू है, आप अलग रहती हैं, न्यारी रहती हैं, पति पत्नी ये बच्चे सुखी रहेंगे, आशीर्वाद है। यदि आप पंडोकर धाम 5 वर्ष से करें तो गुरु कृपा होगी। और एक मंत्र आप चाहें तो मैं लिख दूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लिख दो आप। फिर सिर पर डालिए, लीजिए बहन, इस मंत्र को नियम से करें, गारंटी हमारी चकाचक सफलता मिल जाएगी। नहीं करोगे तुम ना तुम्हारा काम जाने। क्या लिखा है? ओम क्लीम क्लीम फट स्वाहा। ये माइक को साथ में ले लीजिए तो हम ऐसे कर लेंगे। फट स्वाहा 108 बार करें, 3 रामायण, 3 दुर्गा हवन, 3 नाय बंधन। ये नियम से करेंगे सफलता मिल जाएगी। नहीं करोगे तुम ना तुम्हारा काम जाने। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोकर धाम पे आस्था रखो, गुरु कृपा से चकाचक होगा, आशीर्वाद है।